इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मेरे साथ में है आज एक आध्यात्मिक जगत से खास मेहमान, श्री शिखरचंद जैन साहब। शिखरचंद जैन साहब के पास आध्यात्मिक के क्षेत्र से काफ़ी कुछ डिग्रियां उपाधियां हैं, जो खुद वो बताएंगे अपने बारे में। फिलहाल मैं इनके पास आया हूं यह जानने के लिए कि मुंबई में आने वाले महीने यानी 9 फरवरी को ओशो शैलेंद्र जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है श्री शिखरचंद जैन जी के नेतृत्व में, तो उसके बारे में मैं उनसे जानने आया हूँ। जैन साहब, स्वागत है हमारा आपका हमारे चैनल इंडिया आजकल। धन्यवाद। किस तरह से ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी? मेरे मन में पिछले एक वर्ष से ये मन में संकल्प था कि मैं छोटे बाबा यानी ओशो शैलेंद्र जी का कार्यक्रम मुंबई में आयोजित करूं, और इसलिए मैंने मुरथल में निवेदन भी किया था अपने समाधि के कार्यक्रम के दौरान। पर उस समय संयोग ऐसा बना कि बड़े बाबा का मुंबई में आगमन हो गया। उन्होंने कहा तो था कि ओशो शैलेंद्र जी को ले जाइए, परंतु उनका स्वयं का ही आगमन हो गया। तब मैंने उस कार्यक्रम में अपनी तरफ से भरपूर सहायता की, वो माँ पूनम के नेतृत्व में था। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी फिर समाधि आगे चलती रही, और अचानक ऐसा संयोग बना कि मुझे पता चला कि ओशो शैलेंद्र जी मुंबई में आ रहे हैं। तब मैंने तुरंत उनसे निवेदन किया कि मैं एक आपका कार्यक्रम जो पिछले साल से मेरा स्थगित है, हाँ, तो मैं उसे कर देना चाहता हूँ। तो उनकी तरफ से सहज स्वीकृति आ गई, और इस तरह से मेरा संकल्प पूरा करने में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक जगत का कोई भी कार्यक्रम कराना दोस्तों बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, और जैन साहब इस पुण्य काम में लगे हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। किस तरह से आप लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम से, और किस तरह से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? हम चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताएं किस तरह से लोग आ सकते हैं इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने षणमुखानंद हॉल, जहां की क्षमता 2500 की है, वहां पर मैंने 3000 व्यक्तियों के सामने गुरुआनंद जी का कार्यक्रम करवाया था। अच्छा। गुरुआनंद जी भी ओशो को ही बोलते हैं, और वो कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, शाम को 6 बजे समाप्त हुआ। वो भी गुरुआनंद जी मंच पर 12 बजे बोलना शुरू किया, और 5.5 घंटे लगातार बोलते हुए 5:30 बजे उन्होंने समाप्त किया, वो भी मेरे आग्रह पर। मेरा इतना ही कहना है कि लोगों में प्यास बहुत है, बस पानी की आवश्यकता है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे अपने मुंबई में इतना बड़ा एक परिवार है, इतना सभी लोगों के साथ इतना गहरा नाता है, संपर्क का है, कि वो सब मेरे एक इशारे पर आने के लिए तैयार रहते हैं। और एक होता नहीं कि मनुष्य की एक अपनी छवि होती है, तो मैं अपने सारे मित्रों के बीच गुरुजी के नाम से जाना जाता हूँ। लगभग 99% लोग तो मेरा नाम जानते ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। अच्छा। इसके बावजूद भी मतलब मैं अगर मैं आपसे कहूं कि कम से कम 50,000 लोग मुझे गुरुजी के नाम से ही जानते हैं, उनको मुझे मेरा नाम पता। अगर आप वहाँ पे अगर पूछ लें कि शिखरचंद कौन है, तो उन्हें पता नहीं भी, और गुरुजी बोले बोले सामने ही था, मिल जाएंगे आपको। चैतन्य महाप्रभु भी आपको तो कहते हैं? स्वामी चैतन्य महाप्रभु मुझे ओशो शैलेंद्र जी ने मुझे दीक्षा के समय यह नाम दिया, और तब से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य बंगाल के एक अद्भुत संत हुए, अब बहुत अद्भुत ज्ञानी थे, और ज्ञानी के बाद यानी संकल्प से समर्पण तक की यात्रा यानी चैतन्य महाप्रभु की, और यह सौभाग्य से नाम ये मुझे मिला। अब ये किस तरह से उन्होंने दिया ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये नाम दिया। आपके सामने चैलेंज बहुत बड़ा महसूस होता है आपको क्या? मैं तो एक पल के लिए भी कहीं कोई चैलेंज नहीं। मैं जानता हूँ कि ओशो ने जब मुझे बुलाया तो वो सारे कार्य भी वो ही स्वयं पूर्ण करते हैं, और ओशो का स्पष्ट संदेश है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। और मैं आज अपने जीवन में ये पिछले 15 वर्षों से निरंतर अनुभव करता हूं कि बगैर उनकी छाया के, बगैर उनकी कृपा के, बगैर उनके इशारे के, मैं उनकी तरफ कभी जा ही नहीं पाता। और जैसे ही उनका इशारा मिला, मैं इस तरह उनकी तरफ पहुंच गया जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है। थोड़ा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे स्वामी जी, आपकी यात्रा ओशो के साथ में कब शुरू हुई, और तब से लेकर आज तक कौन किन मुख्य पड़ाव से आप गुजरे हैं? मेरी ओशो के साथ की यात्रा, मेरे सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने ओशो शैलेंद्र जी को भी मैंने कई बार कहा कि मेरा जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब तक ओशो थे तब तक मैं उनसे मिल नहीं पाया, और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य भी यही है कि एक इशारा मिला
और मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। और ये कहानी कैसे शुरू हुई, ये मैं कहूँ कि मैं बम्बई में मफतलाल बाग चौपाटी पर स्विमिंग पूल है, वहाँ मैं निरंतर जाता हूँ पिछले 50 वर्षों से। अच्छा। तो वहाँ मेरे एक मित्र हैं दोषी जी। अच्छा। सुंदर भाई दोषी, वो निरंतर ओशो की चर्चा करते, लाओत्सु के ऊपर वो उनके लंबे चौड़े उनके वक्तव्य हुआ करते थे। तो मैंने रोज सुन सुन कर मैंने कहा मुझे बता दो पुस्तकें कहाँ है, मैं वो ले आऊं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भगवान भवन मस्जिद बंदर पर ये है पुस्तकालय, वहां से ले आओ। मैं पहली बार ही गया तो वहां से मैंने करीब 50 पुस्तकें ले ली, दूसरी बार गया तो मैंने वहां से 200 पुस्तकें ले ली, तीसरी बार गया तो उनकी पूरी लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें उठा के मैं अपने घर में ले आया। तो आपने लाइब्रेरी खोल ली क्या? यानी मेरे घर में वैसे भी 1,00,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। अच्छा, अच्छा। मैंने विभिन्न भारत का कोई साहित्यकार मनीषी ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ा हो, पर जब से मैं ओशो से जुड़ा बाकी सब बातें पीछे छूट गई। ओशो को ही पढ़ता हूँ और ओशो ही अब मेरा जीवन है और वही मेरे लक्ष्य हैं। अच्छा स्वामी जी, ये जो आजकल हमने देख रहे हैं कि दो सवाल हैं जुड़े हुए उससे, एक तो ये है कि आजकल साधु संत इतने बदनाम हो गए हैं, काफ़ी कुछ तो जेल में हैं, तो इस वजह से हमारे जो आध्यात्मिक जगत की यात्रा है वो काफ़ी इवन सन्यासी जो है उनको भी लज्जा का सामना करना पड़ता है। क्या आप ऐसा इस बात को मानते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो इसके लिए आपके स्तर पर क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि आध्यात्मिक जगत में यात्रा करने वाले लोगों को इस तरह का शर्मिंदा नहीं होना पड़े? देखिए बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि काफ़ी कुछ जेल में है, ये बात सही नहीं है। 2-4 नाम अगर हम कहें, 10-20 नाम हों, जबकि भारत में तो लाखों सन्यासी हैं, तो 2-4 या 10 नाम के कारण से तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग बदनाम जरूर कर देते हैं सन्यास को, ये बात ठीक है, और हर युग में होता है, कोई इस युग में होता है ऐसी बात नहीं है। जो लोग अपनी ख्याति पाना चाहते हुए नए नए तरह के नाटक करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए और उनसे धन ऐठा जाए, धन प्राप्त किया जाए। तो उस चक्कर के अंदर ये सारा कार्यक्रम चलता है। और जहां तक अगर हम ओशो को जानते हैं, तो उन्होंने तो इन सारे साधु सन्यासियों की बहुत सुंदर ढंग से जम कर पूरी उन्होंने पोल खोली कि किस तरह से ये पंडित बने हुए हैं और पूरी मानवता को धोखा दे रहे हैं। और उन्होंने पुराने सन्यास और आधुनिक, यानी जो ओशो ने सन्यास दिया, उस दोनों के बीच में बिल्कुल स्पष्ट अंतर बताया कि मैं पलायन नहीं सिखाता हूं, इसी संसार में रहकर सन्यस्त भाव से जीवन जीने की कला का नाम ओशो का सन्यासी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मेरा ये है कि ओशो का माल बेच करके लोग रातों रात जो है बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े बड़े सन्यासी बन गए हैं, लेकिन उनका नाम लेने में उन्हें बड़ी शर्म आती है। बड़े बड़े सन्यासी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात एक बात है, अगर मैं ओशो का नाम लेकर अगर बोलूंगा तो सब लोग जान लेंगे, तो फिर हमें सुनने कौन आएगा? तो बहुत स्वाभाविक बात है कि हम कभी भी ओशो का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, पर बोलेंगे सिर्फ ओशो को ही। अगर मैं साध्वी रितंबरा जी को सुनता हूँ तो वहां पर मुझे ओशो ही सुनाई पड़ते हैं। मैं सुधांशु महाराज को सुनूं तो भी ओशो ही सुनाई पड़ते हैं। मैं मुरारी बापू को सुनूं, पर एक बात कहूं, मुरारी बापू वो संत हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि मैं ओशो को बोलता हूं, ओशो को पीता हूं, ओशो को पहनता हूं, ओशो ही सब कुछ है। यानी ऐसा अद्भुत व्यक्ति, और इसी कारण मुरारी बापू पूरे संसार में अद्वितीय संत हो गए। यद्यपि वो संत नहीं है, पर ओशो के ये आप उन्हें भले कथावाचक कह दो, पर उन्होंने राम को अपने जीवन में पी लिया है। अब वो स्वयं राम है, उससे कम नहीं है। और जब वो ओशो से जुड़ गए तब तो फिर उनके जीवन में क्रांति आ गई। अगर ओशो का सच्चा सन्यासी देखना हो तो मुरारी बापू को देख लोगे, कैसे एक संसारी एक सन्यासी बन सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे सन्यासी जेल में पहुंच गए, नहीं, पर सारे संसार में धर्म एक अफीम की तरह से बिकता है। लेकिन जो बचे हैं वो तो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं ना? बिल्कुल करेंगे। और जिस दिन बंद कर देंगे वो भी जेल में होंगे? ना ना, ऐसा भी नहीं होगा। कारण क्या है कि वो अपने आप को इतने चतुर है, इतने बचाकर रखते हैं कि वो जेल तक जाने की नौबत नहीं आएगी, वो पलायन कर लेंगे, भाई छोड़ो हमें उस झंझट में नहीं जाना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम ओशो को समझ लें तो हमारी अपने आप दूसरे सन्यासियों की निंदा करनी बंद हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए, संसार की यात्रा व्यक्ति से शुरू होती है। हम कोशिश क्या करते हैं, समाज सुधारेंगे, ये बिल्कुल गलत दिशा है। हम अपने आप को सुधारें, जब मैं सुधरूंगा तो मेरा परिवार सुधरेगा, मेरा कुटुंब सुधरेगा, मेरा गांव सुधरेगा, शहर सुधरेगा, मेरा देश सुधरेगा। लेकिन हम चाहते देश सुधर जाए तो ये उल्टी दिशा है। सही दिशा यही है कि मैं अपने जीवन में रूपांतरण लाऊं, अपने जीवन में क्रांति लाऊं, और उसके कारण हम अपना उद्धार कर लेंगे, अपने राष्ट्र का, अपनी मानवता का उद्धार कर लेंगे, और वन ह्यूमन वन वर्ल्ड की कथा साक्षात हो जाएगी।
चलिए बहुत बहुत कुछ और आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर के या उस धारा को लेकर के? मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपसे कि 9 फरवरी हमारे लिए एक अद्भुत दिवस है। आप सभी सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जो याद रखिए ये 4 घंटे हमारे जीवन के अनमोल घंटे हैं। इन 4 घंटों के लिए आप अपने आप को ओशो शैलेंद्र जी के लिए वहां पर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं 9 बजे से ठीक कार्यक्रम शुरू करूंगा और 1 बजे समाप्त करूंगा। आपका एक भी पल हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आपको लगेगा कि आपके जीवन के ये 4 घंटे पूरे जीवन पर भारी पड़ेंगे। अच्छा, जो लोग वहां पर तैयार हो जाएंगे आगे और समाधि कार्यक्रम करने के लिए, तो शैलेंद्र जी रुकेंगे यहां पर क्या? आगे और भी उनके समाधि कार्यक्रम हैं? बिल्कुल, 1.5 महीने तक के लिए ओशो शैलेंद्र जी यहीं महाराष्ट्र में हैं। अच्छा, पहले 7 दिन उल्लासनगर में हैं जहां 6 दिन का समाधि का कार्यक्रम है, उसके बाद में समरथगढ़ के अंदर 1 महीने का कार्यक्रम है। तो महाराष्ट्र भर में जितने भी लोग, अगर उनके लिए तो स्वर्णिम अवसर है। तो और मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आएं और अपने आप को धन्यभागी बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय निकाला। तो दोस्तों ये थे शिखर चंद जैन जी, जो ओशो धारा के पुराने सन्यासी हैं और बड़ा कार्यक्रम ओशो का कर रहे हैं, ओशो शैलेंद्र जी का, आने वाले फरवरी में, 9 फरवरी को। तो उसमें आप जरूर आइएगा। और ये पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में ओशो ही एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला है। तो और उनको उनका जो असली सोर्स है, असली जो उनका सत्य है, उससे परिचय करवाया है। तो उसके लिए आप ओशो शैलेंद्र जी और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जरूर आएं। उस कार्यक्रम में आप आएंगे तभी आपको आगे की राह दिखाई देगी। धन्यवाद। जय ओशो। इंडिया आजकल, सच खबर हर पर।